शरीर में कभी कैल्शियम की कमी, खून की कमी आती है तो डॉक्टर्स हमें मीट मांस खाने की सलाह देते हैं। मीट मांस खाना हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है, लेकिन जब भी आप मीट मांस खाते हैं तो कुछ ऐसी चार चीज़ें हैं जो भूलकर भी आपको खानी नहीं है। अगर आप गलती से भी ये चीज़ें खा लेते हैं तो आपके शरीर में भयानक बीमारियों का आपको सामना करना पड़ेगा। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, इनका हमारे शरीर पर कौन कौन सा इफ़ेक्ट होता है, वो आज हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली और 40 प्लस मॉम चैनल में आप सभी का स्वागत है। मांस, मीट या मटन जब भी आप खाते हैं तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खानी है। अगर आप खा लेते हैं तो इसका केमिकल रिएक्शन होता है और बॉडी पर इसका काफ़ी बुरा असर पड़ता है। इनमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है शहद यानी हनी। आज अगर आपने मांस, मटन, मीट खाया है तो 24 घंटे तक यानी पूरा एक दिन आपको शहद नहीं लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होता है और हार्ट, किडनी और हमारे बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स है उनके एक्टिविटीज़ पर इसका काफ़ी बुरा असर पड़ता है और हमें हेल्थ से जुड़े कई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर आपको शहद लेना है तो आप 24 घंटे छोड़कर यानी दूसरे दिन आप ले सकते हैं। सेकेंड नंबर पर आता है दूध। दूध में एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं। अगर आप मांस, मटन, मीट जिस दिन खा रहे हैं उसी दिन दूध अगर पी लिया तो इसकी इतनी खतरनाक हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होती है, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने उसी दिन दूध भी पी लिया तो आपके शरीर पर सफ़ेद दाग यानी इसे मराठी में कोढ़ भी कहा जाता है, ये खतरनाक बीमारी से हमें गुजरना पड़ता है। आपको दूध पीना भी है तो 24 आवर्स के बाद आप दूध पी सकते हैं। थर्ड नंबर पे आती है चाय। कई लोगों को आदत होती है कि इधर खाना खा लिया इधर चाय पी लेते हैं, लेकिन चाय में हम दूध मिलाते हैं, इसलिए जिस दिन आप मांस, मटन, मीट खा रहे हैं तो खाने के बाद कभी भी चाय ना पिए। इसका भी हमारे एसिडिटी पर, गैस पनपना या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका काफ़ी बुरा असर पड़ता है, इसलिए भूल कर भी जिस दिन आप मांस, मटन, मीट खा रहे हैं तो कभी भी चाय ना पिए। मांस, मीट या मटन जिस दिन भी आप करते हैं तो धूम्रपान ना करें। कई लोगों को आदत होती है कि खाना खाने के तुरंत बाद धूम्रपान करते हैं यानी सिगरेट ओढ़ते हैं, लेकिन अगर आप जिस दिन मांस, मटन या मीट खा रहे हैं उस दिन गलती से भी आपको सिगरेट नहीं ओढ़नी है या धूम्रपान नहीं करना है, इसका उस दिन ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। मांस, मीट और मटन जिस दिन भी आप खा रहे हैं तो कौन कौन को आपको अवॉइड करना है वो तो मैंने आपको बता दिया है, और एक परहेज रखने की बात है कि जिस दिन भी हम मांस, मटन या मीट खा रहे हैं यानी कि हेवी भोजन जिस दिन भी आप कर रहे हैं तो तुरंत आपको लेटना नहीं है यानी सोना नहीं है। क्या होता है कि अगर हम मांस, मटन या मीट खा लेते हैं और तुरंत दोपहर में सो जाते हैं या फिर रात में भी तुरंत सो जाते हैं तो शरीर में पित्त का प्रकोप होता है, एसिडिटी पनपना, गैस बढ़ना, ऐसे अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े कई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि तुरंत सोना नहीं है ताकि आपका हेल्थ अच्छा रह सके। ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको खतरनाक बीमारियों से जूझना नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।